नमस्कार, मैं प्रिया। आज 18 अक्टूबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। पश्चिम रेलवे दिवाली दशहरा के लिए चलाई जाएंगी 24 ट्रेनें। इंडियन रेलवे ने अक्टूबर महीने में त्योहारी सीजन को देखते हुए अधिक स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का फैसला लिया है, जिसके तहत पश्चिम रेलवे ने कहा है कि दशहरा और दिवाली के मद्देनजर यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 जोड़ी यानी कि कुल मिलाकर 24 ट्रेनों का परिचालन करवाया जाएगा, जो कि कुल मिलाकर 156 चक्कर लगाएगी। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने त्योहारी सीजन में 196 जोड़ी यानी कि 392 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इन्हें फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाया जाएगा। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान छुट्टियों की वजह से मुसाफिरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ समेत अन्य जगहों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ही चलेंगी। बीटीएससी ने आयुष मेडिकल ऑफिसर और फिजिशियन पद के लिए निकाली रिक्तियां। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने आयुष मेडिकल ऑफिसर और आयुष फिजिशियन के 3,270 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जल्द ही ये आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। वहीं इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन भरने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर 2020 है। गया के पर्यटन स्थल में विष्णुपद मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इस मंदिर का निर्माण के संबंध में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण इंदौर के शासक देवी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1787 में फाल्गु नदी के तट पर करवाया था। इस मंदिर में एक महत्वपूर्ण हिंदू पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार जब गयासुर नामक राक्षस देवताओं को परेशान करने लगा तो देवताओं को प्रार्थना कर भगवान विष्णु ने अपना दायां पैर उनके सिर पर रख दिया था, उसे जमीन के अंदर धकेल दिया। इस दौरान भगवान विष्णु का पद चिन्ह का निशान सतह पर रह गया और बाद में उस राक्षस के सर पर एक पत्थर रखा गया और उसे मोक्ष प्रदान किया गया। मंदिर के अंदर 40 सेंटीमीटर लंबा पद चिन्ह और गयासुर के ऊपर रखा गया पत्थर आज भी मौजूद है। हालांकि बौद्ध भी इस मंदिर को शुभ मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उपयुक्त पद चिन्ह भगवान बुद्ध का है। इस वजह से यह मंदिर दोनों धर्मों के लिए एक पवित्र स्थल है। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2 लाख के पार। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,173 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,03,060 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 59, अरवल में 1, औरंगाबाद में 19, बांका में 11, बेगूसराय में 17, भागलपुर में 27, भोजपुर में 27, बक्सर में 11, दरभंगा में 16, पूर्वी चंपारण में 34, गया में 35, गोपालगंज में 29, जमुई में 15, जहानाबाद में 23, कैमूर में 5, कटिहार में 22, खगड़िया में 7, किशनगंज में 25, लखीसराय में 25, मधेपुरा में 43, मधुबनी में 23, मुंगेर में 26, मुजफ्फरपुर में 58, नालंदा में 28, नवादा में 25, पटना में 250, पूर्णिया में 131, रोहतास में 12, सहरसा में 36, समस्तीपुर में 12, सारण में 12, शेखपुरा में 18, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 6, सिवान में 26, सुपौल में 9, वैशाली में 12, पश्चिम चंपारण में 35 मामले सामने आए हैं। वहीं ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,91,515 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं 990 लोगों की जान जा चुकी है। चिराग पासवान ने गंगा किनारे किया पिंडदान। अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद चिराग पासवान आगे की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, जिसके तहत ही बीते दिन चिराग पासवान गंगा घाट पर अपने पिता का पिंडदान करने पहुंचे थे। इस दौरान परिवार के कई लोग भी उनके साथ नजर आए। उनके चचेरे भाई प्रिंस राज, कृष्ण राज सहित अन्य लोग साथ थे, जिसके बाद चिराग पासवान ने गंगा किनारे पिंडदान किया और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्हें कमजोर होता देख परिवार के दूसरे लोगों ने उन्हें हिम्मत दी और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ उन्होंने गंगा किनारे पिंडदान किया। नीट परीक्षा में बिहार के पृथ्वीराज सिंह ने मारी बाजी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुक्रवार को नीट के परिणाम की घोषणा कर दी थी। वहीं इस परिणाम में बिहार के पृथ्वीराज ने अपना परचम फहराया है। देश भर में 35वां रैंक प्राप्त करने वाले पृथ्वीराज सिंह ने 705 अंक हासिल किए हैं। पृथ्वी के अलावा बिहार के कई छात्रों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नवादा के विक्रम कुमार को ऑल इंडिया रैंक में 144 और मुजफ्फरपुर के सिदरत बिलाल फरीदी को 155वां रैंक हासिल हुआ है। इसके साथ ही तनिषा दयाल को 210वां रैंक मिला है। इसके साथ ही शुभम कुमार सिंह को 307वां रैंक हासिल हुआ है। आपको बता दें कि इस बार नीट की परीक्षा में 56.44% छात्र सफल घोषित हुए हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे
गिरिजा प्रसाद कोइराला की। गिरिजा प्रसाद कोइराला का जन्म 4 जुलाई 1924 को बिहार के सहरसा जिले में हुआ था। नेपाल रत्न गिरिजा प्रसाद कोइराला एक नेपाली राजनेता थे। उन्होंने नेपाली कांग्रेस का नेतृत्व किया और 4 मौकों पर नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया था। वे नेपाल के राज्य के कार्यवाहक प्रमुख रहे। कोइराला 60 वर्षों से राजनीति में सक्रिय थे। नेपाली मजदूर आंदोलन के अग्रणी थे। वे नेपाली मिट्टी पर पहले राजनीतिक कार्यकर्ता आंदोलन उन्होंने ही शुरू किया था, जिसे उनके गृहनगर विराटनगर में विराटनगर जूट मिल हड़ताल के रूप में भी जाना जाता था। बांकीपुर में निर्दलीय उतरेंगी पुष्पम प्रिया चौधरी। आगामी विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी की चर्चा खूब हो रही है। वहीं बांकीपुर सीट भी काफी चर्चा का पात्र बन गया था। हालांकि खबरों की माने तो पुष्पम प्रिया इस सीट से निर्दलीय मैदान में उतरने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुषमा साहू ने नामांकन किया था, जिसे रद्द कर दिया गया था। वहीं प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्षता और खुद को मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बताने वाली पुष्पम प्रिया की पार्टी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्वाचन कार्यालय ने उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बिहार में काबा के जवाब में मैथिली ठाकुर ने जारी किया वीडियो। कुछ दिनों से बिहार के राजनीतिक गलियारे में भोजपुरी गाने के माध्यम से मुकाबला तेज हो गया है, जिसके तहत मैथिली ने बीते दिन बिहार में काबा के जवाब में एक गाना पोस्ट किया था। मैथिली ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर मिथिला और बदलते बिहार का जिक्र किया है। उन्होंने गाने के जरिए बताने की कोशिश की है कि मिथिला में सब कुछ है। उन्होंने बताया है कि मिथिला में दरभंगा एयरपोर्ट है तो वहीं एम्स भी बन रहा है। मैथिली ठाकुर के मुताबिक हर गांव में सड़क और 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। पटना के राजेंद्र नगर से दिल्ली के बीच चलने वाली क्लोन स्पेशल ट्रेन का परिचालन अब हर रोज। बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से चलने वाली क्लोन ट्रेनें 19 अक्टूबर से हर दिन चलाई जाएंगी। अब तक इस गाड़ी का परिचालन हफ्ते में मात्र एक ही दिन करवाया जाता था। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने इस प्रतिदिन चलाने का फैसला ले लिया है। दुर्गा पूजा की शुरुआत बीते दिन से हो गई है और दिवाली छठ को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल पर दोपहर 3 बजे जबकि पटना जंक्शन पर 3:22 पर लेगी। रेलवे बोर्ड के अनुसार क्लोन स्पेशल ट्रेन की शुरुआत के समय की जानकारी साझा कर दी गई है। इसके लिए अग्रिम आरक्षण अवधि 10 दिन रखी गई है। इसके साथ ही इसका किराया हमसफर एक्सप्रेस के समतुल्य रखा गया है। बिहार के बेटे को विदेश में मिली 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप। अररिया ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। वहीं समय के साथ ही कई छात्रों ने भी सफलता के मुकाम को हासिल किया है और समय के साथ साथ छात्रों ने सभी को गौरवान्वित भी किया है। इस बार रानीगंज के बरहरा निवासी प्रोफेसर वकील सिंह के पुत्र धर्मजीत माधव को बेल्जियम सरकार से भारतीय मुद्रा के अनुसार पीएचडी के लिए 1 करोड़ रुपए बतौर स्कॉलरशिप दिया गया है। अपने पुत्र के इस सफलता से धर्मजीत माधव का पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि धर्मजीत का सफर आईआईटी रुड़की से शुरू हुआ था। मिथिला पेंटिंग वाले मास्क पर मोदी ने भी दी अपनी प्रतिक्रिया। कोरोना के माहौल में मास्क सभी की जरूरत बन गई है। वहीं मास्क को लेकर भी तरह तरह के डिजाइन भी आए दिन बाजार में देखने को मिल जाते हैं। इसी क्रम में रूबीना की तरफ से बनाया गया हर मास्क कोरोना से बचाव का संदेश दे रहा है। मास्क से लोगों में जागरूकता भी फैल रही है। वहीं कम दिनों में ही प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरे जिले में बेहतरीन मास्क बनाने वाले के तौर पर एक अलग पहचान बनाने में रूबीना सफल रही है। रूबीना के मास्क के कायल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूबीना की तारीफ करते हुए भविष्य की कामना की है। वहीं नीति आयोग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी रूबीना के मास्क को आकर्षक बताने के साथ ही उनकी तारीफ पर उनका हौसला बुलंद किया है। चुनावी सभा के संबोधन के दौरान तेजस्वी ने नीतीश कुमार से जनता के त्रस्त होने की कही बात। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बांका जिले के अमरपुर विधानसभा से भरको गांव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए एक चुनावी सभा का संबोधन किया था। इस दौरान तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और साफ साफ कहा कि राज्य से नीतीश के कुशासन को हटाना है ताकि जनता को राहत मिल सके। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि लोग अब नीतीश सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, अब यहां की जनता बदलाव चाहती है ताकि लोग बिहार में विकास देख सके। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है और हर विभाग में भ्रष्टाचार है। टिकट नहीं मिलने पर भाजपा नेता ने जताया अपना दुख। टिकट नहीं मिलने पर नेताओं का दर्द अब बाहर आने लगा है। इसी क्रम में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नरकटियागंज सीट से रश्मि वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसके बाद वहां की भाजपा नेत्री रेणु ने मोर्चा खोल दिया है। रेणु ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ ही टिकट काटने से नाराज चल रही रेणु ने शहर के एक निजी होटल में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। इस दौरान रेणु मंच पर ही अपने आप को संभाल नहीं सकी और फूट फूट कर रोने लगी। वहीं रोते रोते उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनका टिकट सिर्फ इसलिए काटा है क्योंकि वो दबे कुचले वर्ग से नाता रखती हैं।
भाजपा 21 अक्टूबर को जारी करेगी अपना मैनिफेस्टो। आगामी विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, इसी क्रम में भाजपा ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी करने का ऐलान कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण के चुनाव से पहले भाजपा अपना मैनिफेस्टो 21 अक्टूबर को जारी करने वाली है। वहीं 23 को नमो नीतीश एनडीए को साझा घोषणा पत्र भी जारी करने वाले हैं। इसके तुरंत बाद 23 अक्टूबर को इस चुनाव में पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक मंच पर होंगे, तो वहीं एनडीए का साझा घोषणा पत्र भी जारी होगा। भाजपा के घोषणा पत्र, जिसे दृष्टि या संकल्प पत्र का नाम दिया जाएगा, इसको लेकर बीते शाम ही बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसके बाद इस घोषणा पत्र का डिजाइन भी एक दो दिनों में तैयार हो जाएगा, फिर इसकी छपाई के लिए इसे भेज दिया जाएगा। पप्पू यादव ने राजनीति छोड़ने की कही बात। जा प्रमुख पप्पू यादव आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लीन नजर आ रहे हैं, जिसके तहत वो आए दिन बयानबाजी भी करते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से बिहार और राजनीति को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत पप्पू यादव ने जमुई पहुंचकर साफ तौर पर कहा कि एक बार हमारी पार्टी को मौका दीजिए, बिहार को एशिया का नंबर वन राज्य बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो इंटर पास करने वाले छात्राओं को स्कूटी और बाइक दिया जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी साफ कहा है कि अगर बिहार को नंबर वन राज्य वो नहीं बना पाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर सुशील मोदी ने की टिप्पणी। महागठबंधन की तरफ से जारी किए गए घोषणा पत्र पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने जो घोषणा की है उसमें जिंदगी भर जो पार्टी जमीन पर कब्जा करती है वो आज किसानों की बात कर रही है। जो लोग पैसा लेकर नौकरी देते हैं वो आज नौकरी की बात कर रहे हैं। ये लोग केवल घोषणा ही कर सकते हैं, वास्तविकता में इनके पास कुछ भी नहीं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, महागठबंधन ने बीते दिन बदलाव का संकल्प पत्र नामक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आने वाले समय में 10 लाख लोगों को नौकरी दिलवाने का वादा किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 15 साल में 60 घोटाले की कही बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते 15 साल में लगभग 60 घोटालों की बात कही है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार की तरफ से किए गए घोटालों में जनता का पैसा केवल डूबा है। बीते दिनों बांका जिले में राजद प्रत्याशी के समर्थन में हुए चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने उक्त बातें कही है। उन्होंने कहा कि आज बिहार में प्रति व्यक्ति 33,000 रुपए कर्ज है, यहां भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। बसपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने अब अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसके तहत बसपा ने 30 स्टार प्रचारकों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें बसपा प्रमुख मायावती के अलावा सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद, ई रामजी गौतम, कुणाल किशोर विवेक, डॉक्टर विजय प्रताप, मुकेश अहिरवार, श्रीकांत भीम राजभर, डॉक्टर लालजी मधेंकर, डॉक्टर मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, सुनेश कुमार राम निवास राजभर, नथनी रजक, राजेश्वर दास समेत कई प्रचारकों के नाम शामिल है। चिराग पासवान को लेकर अब अमित शाह ने तोड़ी चुप्पी। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान जहां दिल्ली में एनडीए के साथ रहने का दावा कर रहे हैं, वहीं अब अमित शाह ने चिराग पासवान के मामले में अपनी चुप्पी तोड़ दी है, जिसके तहत उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि लोजपा ने ही एनडीए से गठबंधन तोड़ा है। हमने बिहार चुनाव में उन्हें काफी सीट देने का ऑफर भी किया था, लेकिन चिराग पासवान टस से मस नहीं हुए। इतना ही नहीं, अपने बयान में अमित शाह ने फिर से साफ कह दिया है कि बिहार में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही मैदान में उतरेंगे और वो ही बिहार का चेहरा होंगे। हमारा गठबंधन जदयू, हम और वीआईपी पार्टी से है। सुशांत के केदारनाथ को मिली पटना के सिनेमा हॉल में रिलीज करने की अनुमति। महीनों के लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे करके विभिन्न क्षेत्रों में छूट दी जा रही है, जिसके तहत अब सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद कोरोना के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए कई फिल्मों को दोबारा से रिलीज किया जाएगा। इसी क्रम में बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ को पटना के सिनेमाघरों में रिलीज करने की छूट दे दी गई है। खबर के मुताबिक पटना के एलिफेंटन सिनेमाघर के महाप्रबंधक शरद गुप्ता ने कहा है कि जिलाधिकारी से अनुमति मिलने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म शुरुआत होगी। इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए सिनेमाघरों को खोला जा रहा है। सौरभ गांगुली ने भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के होने का दिया आश्वासन। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने की बात पर मुहर लगा दी है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अर्ल एडिंग्स ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि भारतीय कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने आश्वस्त किया है कि विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम ऑस्ट्रेलिया दौरा जरूर करेगी। द ऑस्ट्रेलियन अखबार ने एडिंग्स के हवाले में कहा है कि मैं 100% आश्वस्त हूं कि वो आ रहे हैं। सौरभ गांगुली और मैं इसके बारे में कई दिनों से बात कर रहे हैं और हम पहले से ही योजना बना रहे हैं कि हम एक बार उन्हें और उनकी टीम को यहां देख सके। भूले हुए गाने की याद दिलाएगा अब गूगल का नया फीचर। गूगल अब आप
गूगल अब अपने सभी ग्राहकों को भूले हुए गाने की याद दिलवाएगा। मिली जानकारी के अनुसार गूगल ने अपने सर्च टूल में एक नया सर्च फीचर ऐड किया है। इसकी मदद से आप गुनगुनाकर या सीटी बजाकर या फिर गाकर गूगल से उस गाने के बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाद गूगल मशीन लर्निंग के जरिए इसकी पहचान करने की कोशिश करेगा। इस फीचर को बीते दिन ही iOS और एंड्रॉइड के गूगल ऐप में उपलब्ध करवा दिया गया है। इसे गूगल असिस्टेंट के लिए भी उपलब्ध करवा दिया गया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 17 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,500 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,500 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 75.90 रुपए प्रति लीटर था। राजद ने जारी किया स्टार प्रचारकों की दूसरी सूची। बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, जिसके बाद अब सभी प्रत्याशी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। वहीं चुनाव में जनता से संपर्क साधने के लिए स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारा जा रहा है। इसी क्रम में राजद ने बीते दिन अपने स्टार प्रचारकों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को भी जगह दी गई है, जो अपने दमखम से प्रचार प्रसार कर राजद के वोट बैंक की संख्या बढ़ाने का हर संभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, राजद ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है। सूची में लालू परिवार से राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती का नाम शामिल है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रणव कुमार विकास, राजनाथ सिंह, दीपक कुमार, राम कुमार, प्रहलाद जोशी, राखी कुमारी, नवीन कुमार, बिट्टू कुमार, प्रियांशु कुमारी, विपिन कुमार यादव, रंजीत कुमार, छोटू कुमार, दिनेश कुमार, सुबोध कुमार पटेल, मोतीलाल कुमार, मनोज यादव, अंजू कुमारी, सुकेश कुमार, नरेश कार्तिक, अमरेश कुमार, संतोष कुमार, दिनेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राजद की तरफ से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कितनी सफल साबित होगी, कितनी नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।